पश्चिमी बंगाल में इन दिनों चुनाव हैं और हर पार्टी वहां जीतने के लिए अपना पूरा जोर लगा रही है। नेता रैली के जरिए लोगों तक अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं और मीडिया में खबरों से चुनावी माहौल का पता तो लगता ही रहता है। आज इस वीडियो में दोनों तरफ के मीडिया यानी कि गोदी मीडिया और रियल मीडिया की बंगाल के चुनाव को लेकर क्या राय है, इस पर बात करते हैं। पहले बात पत्रकार अर्नब गोस्वामी की कर लेते हैं। हाल ही में ममता बनर्जी को चोट लगी। खैर, अब वे फिर से चुनावी माहौल में तो उतर चुकी हैं, पर देखते हैं चोट लगने के वक्त अर्नब इस मुद्दे पर किस पर दोष लगा रहे हैं या क्या कह रहे हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कल प्रचार करते वक्त चोट लग गई। दोस्तों, ये बहुत गंभीर बात है, बहुत गंभीर बात है। हमें इसकी काफी चिंता है और मैं चाहता हूं कि इसकी पूरी जांच हो, पूरी जांच। मैं तो कहता हूं कि ममता दीदी पर इस तरह की अटैक हुई है, इसकी तो सीबीआई की जांच होनी चाहिए। पर आश्चर्य है दोस्तों, आश्चर्य है कि जिन्हें सीबीआई जांच की मांग करनी चाहिए वो चुप है, और जिन पर किसी ना किसी तरह से आरोप लगाया जा रहा है वो जांच की मांग कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है भाई? क्या सख्त सुरक्षा घेरे में रहने वाली ममता बनर्जी के साथ हुई घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए या नहीं? कि क्या चोट लगने के बाद सहानुभूति मिलने के डर से दूसरी राजनीतिक पार्टियां सवाल उठा रहे? अब बात करते हैं दूसरी तरफ के मीडिया की। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार की भी कर लेते हैं। वे एनडीटीवी पर अपने प्राइम टाइम में ममता के साथ हुए हादसे पर कुछ बात कहते दिख रही हैं और कुछ जानकारियां भी साझी कर रही हैं। ममता को चोट लगी है, मुमकिन है भीड़ से अनायास धक्का लगा या कार किसी चीज से टकरा गई, या उपलब्ध वीडियो से साफ साफ पता नहीं चलता। आमतौर पर किसी वीआईपी की सभा के वक्त कई लोग वीडियो बना रहे होते हैं, लेकिन यह सवाल तो फिर भी है कि सुरक्षा व्यवस्था वहां कैसी थी, भीड़ कैसे इतनी नजदीक पहुंची, पुलिस सुरक्षा की कतार क्यों नहीं नजर आ रही है, या थी तो क्या कर रही थी, क्या अंधेरे का लाभ उठाकर किसी ने ममता को धक्का दिया या धक्का मुक्की हो गई। इस घटना के एक दिन पहले चुनाव आयोग ने बंगाल पुलिस के महानिदेशक को बदल दिया। बीजेपी ने हिंसा को लेकर चिंता जताई थी। पी नीरज नयन को नए महानिदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है। चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव से ममता बनर्जी की घटना पर शुक्रवार तक रिपोर्ट मांगी है। ममता बनर्जी को जेड प्लस सुरक्षा है। इस तरह से इस वक्त बंगाल के पुलिस प्रमुख वो नहीं है जिन्हें ममता ने तैनात किया है। पिछले दिनों एक्टर मिथुन चक्रवर्ती चुनावी मैदान में उतरे और अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में भी रहे हैं। चुनावी मैदान में उतरने के बाद मिथुन ने कई चैनलों को इंटरव्यू दिया। हम बात दो चैनलों को दिए इंटरव्यू की करेंगे। पहले बात जी न्यूज के पत्रकार सुधीर चौधरी को दिए इंटरव्यू की, कुछ झलकियां और सवाल सुने कि कितने तीखे सवाल मिथुन चक्रवर्ती से हो रहे हैं। आपने एक बहुत अच्छा डायलॉग बोला, आप अपने आप को कोबरा बता रहे थे, आप कह रहे थे वन बाइट एंड यू विल बिकम अ फोटो। तो ये चुनाव ये कोबरा इसको काटने वाला है। तो मतलब जो कल आपने बोला एक्चुअली वो मिसकोट हो गया और लोगों ने उसको ये शुरू किया कि आपने शुरुआत में ही बड़ा एक टॉक्सिक चुनाव कैंपेन से शुरुआत की। अब आप पॉलिटिक्स में आ गए हैं, अब आप अभिनेता से जब नेता बने हैं तो आपको ये 24 घंटे में समझ में आ गया होगा कि इट्स अ कम्प्लीटली टोटली डिफरेंट बॉल गेम। इतनी विचारधाराओं में इतना बदलाव कैसे आया? पहले सीपीएम और तीनों अलग विचारधाराएं। कल हमने देखा, आपकी फोटो देखी हमने मोदी जी के साथ, प्रधानमंत्री के साथ, जब आप एक साथ मंच पर थे, तो क्या बातचीत आपकी हुई और क्या ये पहली आपकी मुलाकात थी या इससे पहले भी आपकी मुलाकात हो चुकी है? अब आप मिथुन चक्रवर्ती द्वारा एबीपी न्यूज को दिए इस इंटरव्यू को देखिए, जिसमें एंकर के तीखे सवालों से मिथुन बचते हुए नजर आ रहे हैं या फिर सवाल को टालते नजर आ रहे हैं। किसान आंदोलन चल रहा है देश में, दो राज्यों के किसान, पंजाब के और कुछ कुछ हरियाणा के। अभी आप वो सवाल कर रहे हो भाई, उसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। आपकी राय जनता जानना चाहती है, तो जब जनता जितना जानना चाहेगी उस वक्त जिस जगह पे होऊंगा वहाँ बोलूंगा। आप सिर्फ बंगाल की बात करो। अच्छा। बंगाल में मैं बात कर रहा हूँ, मैं वही पर आ रहा हूँ। अब आप क्या बदलना चाहते हैं बंगाल में? बंगाल में मैं सब कुछ बदलना आपके सपनों का बंगाल कैसा है? पहली बात तो मैं राजनीति समझता नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? मैं कभी नहीं बोलूँगा ये कि हाँ या ना। तो आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे?
तो आपके दिमाग में कोई सीट है, कोई विधानसभा सीट है जहाँ? अभी मैं दिमाग में ही नहीं है तो मैं कैसे बोलूँगा। ये जो बातें हैं ना, मैं लोगों तक लेके जाना चाहता हूँ। कौन कौन सी बात? वो मैं साहब ने सब बात तो मैं बोल नहीं सकता। इसके अलावा बंगाल में चुनावी माहौल को लेकर वरिष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा भी कुछ जानकारी दे रहे हैं और सरकार पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। ये भी जान लेते हैं कि वे सवाल क्या उठा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने ये दावा किया है कि नंदीग्राम में गरुलिया बाजार में उन पर हमला किया गया है, उनकी पांव में चोट आई है और उनका ये दावा है कि उनके पांव के ऊपर से गाड़ी निकाल दी गई। पश्चिम बंगाल के अंदर जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, महिला शक्ति खासे मायने रखती है। ऐसे में अगर वहां की महिला मुख्यमंत्री ये दावा कर रही हैं कि उन पर हमला किया गया है तो ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इससे इस चुनाव का मिजाज और बदल सकता है। हालांकि अब तक जो तमाम प्री पोल सर्वेज आ रहे थे उसमें ममता बनर्जी जीतती हुई दिखाई दे रही थी, मगर मैं आपसे क्यों कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पांव में कुल्हाड़ी मार दी। पहले मैं स्पष्ट कर दूं, इस वक्त ऐसे कोई प्रमाण मौजूद नहीं है कि बीजेपी ने हमला कराया होगा। नहीं, कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने न्यूज चैनल्स में आकर कहा है कि ये ड्रामा है। न्यूज 18 के पत्रकार अमीश देवगन की भी डिबेट पर नजर मारते हैं जो बंगाल के मुद्दे पर हुई है और देखते हैं कि वह बीजेपी के नेताओं से क्या तीखे सवाल कर रहे हैं। क्या चोट के नाम पर बंगाल में वोट युद्ध शुरू हो गया है? क्योंकि नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी को चोट लग गई। ममता बनर्जी ने इसे बीजेपी की बड़ी साजिश बता दिया। तो उधर बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी भी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी सहानुभूति के लिए, वोट हासिल करने के लिए ये सब नाटक कर रही। लेकिन इसी बीच बंगाल पुलिस की शुरुआती जांच रिपोर्ट भी आ गई है जिसमें ममता बनर्जी पर किसी तरह के हमले से इंकार किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भीड़ की वजह से घटना हुई, हालांकि ये पुलिस की फाइनल रिपोर्ट नहीं है। लेकिन आज आर पार में हम आपको इस पूरी घटना पर सबसे बड़ी गवाही और सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाने वाले हैं। यकीन मानिए कि ये जो पूरा चोट कांड है इससे पर्दा उठेगा आज आर पार के अंदर। इसलिए व्यूअर्स, इसलिए दर्शकों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप और आपका परिवार, आपके दोस्त आज के इस कार्यक्रम को जरूर 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 देखें। बंगाल में जब तक चुनाव खत्म नहीं हो जाते तब तक माहौल ऐसा ही रहेगा। कुछ नई सुर्खियां खबरों में जगह बनाएंगी और कुछ नए मुद्दे निकलकर सामने आएंगे और नेताओं द्वारा बड़े बड़े वादे भी किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।